हिसाब से समझाइला, ना समझला पर पे हिसाब मारीला। निकाल ले बांक ऐसे ना देख, नाम हवे सुपर हई, यहाँ से करे। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेग फाइटर भोजपुरी फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों ये हमारे उस वीडियो का पार्ट टू है, अगर आपने इस वीडियो के पार्ट वन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो के पार्ट वन को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फैक्ट नंबर 7, बताया जाता है कि क्रेग फाइटर इस फिल्म को पावर स्टार पवन सिंह ने 1 करोड़ में साइन किया था और इस फिल्म से पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर बन गए थे। हालांकि इससे पहले तक ये रिकॉर्ड जुबली स्टार निरहुआ के नाम था, लेकिन जुबली स्टार निरहुआ के इस रिकॉर्ड को पावर स्टार पवन सिंह ने क्रेग फाइटर फिल्म से तोड़ दिया था और फिलहाल भोजपुरी के सबसे महंगे एक्टर पवन सिंह बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 8, क्रेग फाइटर पावर स्टार पवन सिंह और निधि झा की एक साथ 5वीं फिल्म थी और इस फिल्म से पहले इन दोनों ने एक साथ गदर, जिद्दी, धड़कन और सत्या फिल्म में काम किया था और इन दोनों की जोड़ी की आखिरी फिल्म प्यारी चांदनी है जो कि आपको इसी साल देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 9, क्रेग फाइटर इस फिल्म को बिहार झारखंड में लगभग 110 थिएटर के साथ रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने बिहार के कुछ थिएटर में 100 दिन पूरे किए थे और ये फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा दिन तक थिएटर में चलने वाली भोजपुरी फिल्म थी। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो इस फिल्म में काफी सारे विलन थे लेकिन इस फिल्म में मैन विलन की भूमिका निभाई थी प्रदीप रावत ने और ये फिल्म प्रदीप रावत की पहली भोजपुरी फिल्म थी। प्रदीप रावत ने इस फिल्म से पहले काफी बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम किया था और इस फिल्म में पवन सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। कहाँ है शंकर? तेरा हिंदुस्तान हमेशा मेरे पैरों के तले था और रहेगा, इसीलिए तेरी मौत बहुत हाई फाई रखी है हमने। फैक्ट नंबर 11, क्रेग फाइटर इस फिल्म को रिलीज किया गया था 21 मार्च साल 2019 को यानी होली के खास मौके पर और ठीक इसी समय में भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म शेरे हिंदुस्तान को भी रिलीज किया गया था और यह भोजपुरी का दो सबसे बड़ा क्लैश था क्योंकि भोजपुरी के दो सबसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म आपस में टकराई थी और इन दोनों फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज था। दोनों ही फिल्में एक्शन फिल्में थी और दोनों ही फिल्में काफी महंगी बजट की फिल्में थी और दोनों की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी, लेकिन कमाई के मामले में शेरे हिंदुस्तान फिल्म को क्रेग फाइटर ने हरा दिया था। क्रेग फाइटर उस साल की पहली और शेरे हिंदुस्तान उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फैक्ट नंबर 12, क्रेग फाइटर जब इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा था ठीक उसी समय में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म कुली नंबर 1 को भी रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन कुली नंबर 1 को उस समय काफी कम थिएटर में रहे थे जिस कारण उस फिल्म को आगे चलकर ईद 2019 में रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 13, ये फिल्म सचिता बनर्जी की भोजपुरी में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सचिता बनर्जी ने 2017 की ब्लॉकबस्टर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में काम किया था और क्रेग फाइटर ये फिल्म पवन सिंह के साथ सचिता बनर्जी की पहली और अब तक की आखिरी फिल्म है और इस फिल्म में पवन सिंह उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। फैक्ट नंबर 14, एक इंटरव्यू के दौरान सचिता बनर्जी ने बताया था कि भले ही पावर स्टार पवन सिंह की छवि भोजपुरी में एक्शन हीरो वाली है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह रियल लाइफ में काफी ज्यादा फनी है। वो चाहते हैं कि वो कॉमेडी फिल्मों में भी काम करे, लेकिन डायरेक्टर उन्हें बार बार एक्शन फिल्मों में ही काम देते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्रेग फाइटर इस फिल्म के कुछ कुछ सीन थालापति विजय की फिल्म थियरी से मिलते जुलते रखे गए थे। आप चाहे तो थियरी फिल्म को भी देख सकते हैं और क्रेग फाइटर फिल्म को भी देख सकते हैं, ये दोनों ही फिल्में यूट्यूब पर अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 16, क्रेग फाइटर इस फिल्म को यूट्यूब पर 20 अक्टूबर 2019 को वेब म्यूजिक पर रिलीज किया गया था जिसे अब तक 80 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। तो दोस्तों ये थी क्रेग फाइटर फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।